बात यह है कि पाकिस्तान आयरलैंड से हारा है, पाकिस्तान इंग्लैंड के बच्चों सॉरी न्यूजीलैंड के बच्चों से हारा था, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे अफगानिस्तान इन सबसे पिटा हुआ है। ज्यादा खतरा किस बॉलर से है पाकिस्तानी टीम को इंडियन बॉलर्स में से? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या क्यों? यस इन द स्क्वाड बस फिर हार्दिक भाई, जब जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो उनकी तरफ से हमेशा एक खिलाड़ी जो कि अपनी तलवार को तेज करके खड़ा होता है उसका नाम है विराट कोहली, और अभी भी वो बंदा है। जब पाकिस्तान 9 जून 2020 2024 बड़ा मुकाबला, बिल्कुल मैन ऑफ द मैच कौन होगा यार? देखें आंखें बंद करके भी कह देंगे इंडिया। हम लोगों ने या हमारे क्रिकेट जो करंट क्रिकेटर है उन्होंने ये बात नहीं करनी कि भाई घंटे के बच्चों के जीत लो कोई बायलैटरल सीरीज जीत लो किसी बड़ी टीम से, डायरेक्ट ये बात पता क्या करते हैं, हमारा स्क्वाड इंडिया से बेहतर है, हमारा स्क्वाड इंडिया से बेहतर है और हम इंडिया को 9 जून को पेलेंगे। और शर्म कर लो, पहली तो बात यह है कोई ऐसी बात कर लिया करो जिस बात का लॉजिक बनता हो। 9 जून किधर है? पाकिस्तान अभी इंग्लैंड से कुत्ते कितना पेल रहा है, वो बात आपने नहीं करनी, लेकिन बात आपने ये करनी है कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये जो जवेद मियां दाद टकला है, मेरी बात सुनो, इंडिया का वर्ल्ड कप का स्क्वाड मैं एज अ ट्रू क्रिकेट फैन देखूं ना, मुझे जो इंडिया का वर्ल्ड कप का स्क्वाड लगा ना, मुझे सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा, और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात बड़े ज्यादा लेजेंड एक्स क्रिकेटर्स ने की है। वाइस कैप्टन है, वाइस के भारत स्ट्रीक बनाएगा जैसे पिछली बार वर्ल्ड कप में बनाई थी 10x10 की। इस बार थोड़ी कम होगी क्योंकि हमारी टीम इस दफा थोड़ी स्ट्रांग है। लेकिन उनको भी थोड़ा सा तो हमारी भी टीम में ये नहीं कि शाहीन अफरीदी भी कम बैक कर रहे हैं, वो भी विकेट्स लेने लगे, उनसे भी थोड़ा डरना चाहिए। लाइक फर्स्ट ओवर वसीम अकरम ने खुद कहा कि जी अगर मेरे पास किंग का सुल्तान को या तो कुलदीप यादव है, तो मेरे ख्याल में कुलदीप यादव इस चीज को डिजर्व भी करता है, और साथ पटेल का कमीशन है उस बॉलर का जो कि आईसीसी ने नंबर 1 रैंक पे उसको कंसीडर कर दिया। और उसके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बात करेंगे इंडियन स्पिनर वर्सेस पाकिस्तानी स्पिनर्स। पाकिस्तान के पास देखा जाए तो हमें सिर्फ कहेंगे शहजाद खान एज स्पिनर नजर आ रहे, लेकिन इंडिया के पास देखा जाए तो हमारे पास सिराज अर्शद पटेल है और जहाल नजर आ रहे हैं। क्या ख्याल है कि पाकिस्तानी बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, हमारे स्पिनर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि भारतीय टीम को अच्छी टक्कर दे सकते हैं? नहीं, हमारी बॉलिंग टीम तब स्ट्रॉन्ग हो सकती है अगर हमारी बॉलिंग कोचेज अच्छे हों, एज सच लाइक शुएब अख्तर को हायर करें, वसीम अकरम को, तो लिविंग लेजेंड्स हैं, उनको हायर करें तो हमारी भी बॉलिंग टीम क्यों नहीं अच्छी हो सकती। बिल्कुल आपकी बात सही है। आपको क्या अब तक विराट को एक चीज होती है कॉन्फिडेंट, जो कि दुनिया की हर टीम को अपने ऊपर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट जो कि हमारी बीमारी हुई पड़ी है। अब 9 जून को लेकर जो हमारा महायुद्ध होने वाला है हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बड़ा मौत से पाला में वो वाला सीन होने वाला है, और यकीन करो दो भाई आपस में कलेश करेंगे एक बार फिर से। मतलब एक तो साला हर बार हम ही पीटते हैं, ये बात हमको भी पता है, एक बार गलती से हमने क्या कर दिया था, हमारे पाकिस्तान का वो ओवर कॉन्फिडेंट इतना ज्यादा हो गया कि अभी हम आयरलैंड से हार रहे हैं, हम न्यूजीलैंड की सी टीम से हार रहे हैं, इंग्लैंड से हार रहे हैं, तब भी यहाँ पर लोग जितने भी पाकिस्तान के फैंस हैं उन्होंने एक ही चीज रट लगाई हुई है, हमारा मुल्क जीतेगा, हमारा मुल्क जीत मेरा। देखो सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करता हूँ, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। अब मुझे एक बात बताओ कि हमने 2021 में हिंदुस्तान को हरा दिया था और 10 विकेटों से हराया था, पाकिस्तान की हिस्ट्री की क्रिकेट की हिस्ट्री की, हमने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, लेकिन हमारी हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत हमें जो आजकल की कोविड की जनरेशन है ना उनको लगता है कि भाई ये 2021 का वर्ल्ड कप ही था जो कि पाकिस्तान ने सबसे बड़ी विकेट हासिल की। और मैं कहता हूँ कि भाई क्या उखाड़ लिया हमने, हमने इंडिया को हरा दिया, हमने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती, सिंपल इंडिया ने आराम से जीत जा। तो मैन ऑफ द मैच कौन हो यार? वो विराट कोहली होगा भाई, ये बड़ी आसानी से कह दिया, हमारे कोई बैट्समैन नहीं यार। देखो पाकिस्तान की जो बॉलिंग और बैटिंग बिल्कुल बकवास है, अब वो ले आए हैं उसको मोहम्मद आमिर को, तो थोड़े से चांसेस हैं कि बॉलिंग जो हमारी अच्छी हो जाएगी। बैटिंग की बात की जाए बाबर आजम को पता है वो फुस प्लेयर है, उसमें वैसे डेड हो जाना, इंडिया के खिलाफ तो चलते ही नहीं, आपको पता है ये की तो किंग है हमारे। इसने 75 गलती से मार दिया या पता नहीं, आयरलैंड को मारा इसने तो वो गलती से हो गया, नहीं चलता तो बैड परफॉर्मेंस कर ले तो गलती है, वो गलती है यार। देखो 10 मैचों में एक मैच मार लेता वो जीत जाता है, तो उसमें क्या आप उसको अच्छी परफॉर्मेंस देंगे? अच्छा मैं तो विराट कोहली मैन ऑफ द मैच होगा, कितना करेगा विराट कोहली यार? मेरे ख्याल से वो उसकी कोशिश होती है 50 सेंचुरी करने की, जो 50 का लेगा सेंचुरी कर लेगा, सेंचुरी करेगा विराट कोहली अगेंस्ट पाकिस्तान, पहली दफा करते हैं रानी से आप कह रहे हो यार, उसने इजिली कर लेनी है, उसके बाएं हाथ का खेल है, अगर शहीन शाह की बॉलिंग समझ में आ गई ना तो उसको भी चौके छक्के पड़ने। अच्छा ये काम खतरे में है, खतरे में है मैच, आप देख लेना, वन साइड मैच होना, इंडिया ने जीत जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 9 जून इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2024 बड़ा मुकाबला आने जा रहा, बड़ा सवाल, मैन ऑफ द मैच कौन होगा और किस तरफ से होगा? मोहम्मद आमिर या शाहीन अफरीदी? पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ से उधर से सारी गए, सारे गए, इधर से बाबर भी गया। बाबर यार, बाबर इंडिया और पाकिस्तान के मैच में आप देख लेना, जहाँ पे हमारी बॉलिंग अटैक चलती है वहाँ पे फिर मैन ऑफ द मैच कोई अपना उसका देख ले। 2021 के वर्ल्ड कप नो डाउट बाबर रिजवान अच्छी गेम की थी, दोनों नॉट आउट 68-72, पर मैन ऑफ द मैच किसको दिया था? शाहीन अफरीदी को, क्योंकि उनके जो मास्टर ब्लास्टर थे तीनों, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, उनका बेड़ा घर किसने किया था? शाहीन अफरीदी ने। और पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है ना वो किसी को अच्छा नहीं लगा, वो किसी को अच्छा नहीं लगा, उसमें टोटल पर्चियां हैं, उसमें टोटल पर्चियां हैं, उसमें टोटल जो वो पर्चियां, लेकिन जवेद मियां दाद ने पता क्या स्टेटमेंट दिया, जवेद मियां दाद ने आपको पता है कि उस बंदे की बात इंडिया से शुरू होती है
और उस बंदे की बात जब इंडिया पे खत्म हो जाती है। जावेद मियां दाद ने यह बात की है कि पाकिस्तान का स्क्वाड बहुत अच्छा है और पाकिस्तान का ये वाला स्क्वाड ना इंडिया जैसी टीम को हराने के लिए इनफ है। मतलब इंडिया जैसी टीम, इसका क्या मतलब हुआ भाई? इंडिया जैसी कोई ओमान की टीम है, यूएसए की टीम है, इंडिया जैसी क्या मतलब होता है? मेरा दिल करो मतलब टकले घंटा बजाऊं पकड़ के, क्योंकि भाई मेरी बात सुनो, एक बंदा जो क्रिकेट खेला हुआ हो और एक बंदा ये वाला नॉनसेंस बात जब करता है, क्वेश्चन करता है, या बल्कि जो भी बात बकवास करता है कि इंडिया जैसी टीम को पाकिस्तान का ये स्क्वाड हराने के लिए इनफ है। मेरी बात सुनो, अब मैं ना देखो मुझे फजूल बातें करना नहीं आती, मैं करता हूं लॉजिक वाली बात। मैं दोनों स्क्वाड का कर लेता हूं कंपैरिजन। टकले की बात बात पे करते हैं, जो इसने बोला है कि 9 जून को पाकिस्तान जीतेगा इंडिया से, क्योंकि इंडिया को वीक साइड लग रही है, इंडिया में जो है वो कोई प्लेयर की फॉर्म ही नहीं लगी हुई। फिर इसने विराट कोहली के ऊपर भी बात की है कि जी विराट कोहली रन तो कर लेता है लेकिन टीम नहीं जीत पा रही। आईपीएल के वाले से भी इसने विराट के हवाले से बात की है, मैं वो बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले ना मैं स्क्वाड का थोड़ा सा कंपेरिजन कर लूँ इस टकले का। इस टकले की बात को मैंने थोड़ा सा ना झूठा साबित करना है, क्योंकि भाई इसकी तो बात में टोटल वो मुझे हेट नजर आई है, टोटल वो मुझे नफरत वाली वाइब्स आई हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि चीज वो करनी है जो मैं जिसके साथ मैं चीज को प्रूफ कर सकूं। अगर मैं आपको सबसे पहले बात बताऊं इंडिया का स्क्वाड, जिसमें रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जयसवाल, कोहली, सूर्य कुमार यादव, पंत, सैमसन, दुबे, जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, चहल, अर्शदीप, बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये इंडिया की फिलिंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं मोटी मोटी। रोहित शर्मा जयसवाल ओपन करेंगे, तीसरे पे आ जाएंगे किंग विराट कोहली, चौथे पे सूर्य कुमार यादव, पांचवें पे ऋषभ पंत, छठे पे हार्दिक पांड्या, छह पक्के हो गए, सातवें पे कुलदीप, आठवें पे जडेजा, सातवें पे जडेजा, आठवें पे कुलदीप, जो मर्जी कर लो। तीन फास्ट बॉलर आ जाएंगे, फास्ट बॉलर तीन वही होंगे, अर्शदीप, बुमराह और मोहम्मद सिराज, ठीक है। या हार्दिक खेलेंगे या शिवम दुबे खेलेंगे, इनमें से कोई एक खेलेगा, एक बैठेगा एक खेला करेगा, ये वाली बात है, साइड पर कर दो। अब पाकिस्तान का मैं आपको स्क्वाड बनाता हूं। ओ, मुझे पता कि पाकिस्तान का स्क्वाड क्या है, क्योंकि वर्ल्ड कप पास है, हमें यही नहीं पता हमारा ओपनर कौन है, हमें यही नहीं पता हमारा मिडिल ऑर्डर कौन खेलेगा। 14 अक्टूबर को जिस तरह से पाकिस्तान ने शिकस्त खाई थी भारत से, इस बार 9 जून को क्या होने जा रहा है? 9 जून को पाकिस्तान जिंदाबाद, बस यही कह सकते हैं, सच में कुछ भी नहीं कह सकता। लगता है पाकिस्तान जिंदाबाद होगा यूएसए के सर जमीन के ऊपर, इंशाल्लाह। अच्छा वैसे मजे की बात ये कि पाकिस्तान इंडिया की जो टिकट है वो $2500 मिल रही है, नो डाउट, तो 6-7 लाख कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, लाइक। और क्या कहना चाहते हैं 14 अक्टूबर में बहुत कहने की शर्मनाक हमें शिकस्त मिली थी, वन साइडेड मैच देखने को मिला था, जो कि भारत ने बड़ी जल्दी ही मैच को वाइंड अप कर दिया था। इस बार पाकिस्तानी बैट्समैन बाबर आजम खास तौर पर क्या खेलेंगे, साई मयूबी के वहाँ पर रोहित शर्मा, जयसवाल नजर आ रहे हैं, तो इतना लगता है कि पाकिस्तान के पास अच्छी पावर हिटिंग है। बाबर आजम का तो सीन ही कुछ और है ना, उसकी तो हम टेंशन नहीं ले, उस पर सिर्फ हमें लाइक ट्रस्ट पूरा है, बाकी उसकी मेहनत पे है सारा सीन। सबसे ज्यादा खतरा किस बॉलर से है पाकिस्तानी टीम को, इंडियन बॉलर्स में से देख रहे हैं? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या क्यों? यस, इन द स्क्वाड शामिल है। बस फिर हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, बस फिर हार्दिक पांड्या से बचना चाहिए पाकिस्तान। ब्लैक मैजिक के लिए भी बड़े फेमस थे, पिछली बार भी वो कहते हैं कि शायद उसने कोई ब्लैक मैजिक नहीं है बिल्कुल, लेकिन उनको भी थोड़ा सा तो हमारी भी टीम में, ये नहीं कि शाहीन अफरीदी भी कमबैक कर रहे हैं, वो भी विकेट्स लेने लगे हैं, उनसे भी थोड़ा डरना चाहिए, लाइक फर्स्ट ओवर थोड़ा सा जरा होगा। मोहम्मद आमिर भी हमारे खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारी भी टीम का लाइक नेक्स्ट टीम के ऊपर एक होगा प्रेशर। ओ भाई, तुम्हारा मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ इंडिया को हराना, और उसमें भी तुम कामयाब नहीं हो पाते हो, तभी यहाँ पर 14-1 का मेरे ख्याल से मार्जन है। 8 मैचेस जो है वो वर्ल्ड कप में हम ऑलरेडी 8-0 से हार रहे हैं इंडिया से, ओडीआई के वर्ल्ड कप में, और T20 में मेरे ख्याल से 7-1 का वाला मामला है, वहां पर भी हम कुत्ते की तरह मार खा रहे हैं, एकदम बहुत ही गंदे तरीके से हम धुल रहे हैं। लेकिन भाई हमें वो चीज़ नहीं देखनी, हमें बस ये देखना है कि हमारा ओवर कॉन्फिडेंट कितना है, हमारे या पाकिस्तान को अगर कोई चीज़ मरवाती है ना तो वो है बाबर आजम और इसकी ओवर कॉन्फिडेंट। देखो, एक टीम को पता होता है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमने किस तरीके से जाना है, हमने क्या करना है। ये बात मैं आपको गारंटेड बता सकता हूं कि लास्ट टाइम जो कॉम्प्रिहेंसिवली पाकिस्तान ने जीता था वो जीता था 2014 के एशिया कप में, जब शाहिद आफरीदी ने रविचंद्रन अश्विन को आखिर में 2 छक्के मारे थे और पाकिस्तान जीता था। मेरी नजर में वो जीत थी पाकिस्तान की कॉम्प्रिहेंसिवली। बाकी हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें भी हमारा तुक्का लगा था, और 2021 की जो चैंपियंस वो T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी हमारा तुक्का लगा था, और ये बात हम बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि हमारी औकात हमें पता है। मैं पाकिस्तानी जानता हूं कि भाई अगर इंडिया वाले अपने पे आ जाए तो वो हमको शायद 100 से नीचे भी ऑल आउट कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने पहले किया हुआ है। आपको याद होगा 2016 के वर्ल्ड कप के अंदर T20 में पाकिस्तान को 83 के ऊपर ऑल आउट कर दिया था टीम इंडिया ने, अगर आप लोग को याद हो तो। आप लोग ये जो नए कोविड के बच्चे निकल कर आए हो, मतलब जैसे बारिशों में कीड़े निकलते हैं इस तरीके से पाकिस्तान में
ये कोविड में बाबर आजम के फैंस निकल रहे हैं, इन्होंने क्रिकेट देखी नहीं है। मैंने देखी है क्रिकेट, मैंने 2015 वाला मैच देखा था जिसमें 107 रन बनाए थे कोहली ने, मैंने 2012 वाला मैच देखा था जिसमें 183 रन बनाए थे कोहली ने, मैंने 2016 वाला मैच देखा था जिसमें कोई 51 आई थिंक कुछ इस तरह रन बनाए थे कोहली ने। तो भाई जब जब पाकिस्तान इंडिया का मैच है उनकी तरफ से हमेशा एक खिलाड़ी जो कि अपनी तलवार को तेज करके खड़ा होता है उसका नाम है विराट कोहली। ऊपर से मोहम्मद आमिर आ गया है तो आई थिंक पाकिस्तान इस बार बेड़ा गर्क कौन करेगा। इस बार मोहम्मद आमिर की उम्मीद भी है हमें, शाहीन अफरीदी से भी। विद इन देखें एशिया कप खेला है, वर्ल्ड कप खेला है, ओडीआई, फिर न्यूजीलैंड से सीरीज, फिर हमारी आयरलैंड से सीरीज, वो परफॉर्म कर नहीं पाए जितना बड़ा नाम आप शाहीन अफरीदी का ले रहे हैं। शाहीन अफरीदी की आप परफॉर्मेंस देखें ना, शाहीन अफरीदी की पूरी टीम में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस थी। इस बार भी आयरलैंड के खिलाफ किसको मैन ऑफ द सीरीज मिला? शाहीन अफरीदी को। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आपने झलकियाँ देखी हैं, शाहीन अफरीदी की बॉल किस तरह से स्विंग कर रहा है। शाहीन अफरीदी अब एक प्लेयर पे तो दारोमदार होता नहीं है, शाहीन अफरीदी ने तो अपनी फुल परफॉर्मेंस दिया। और मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस पे आप बात करेंगे कि मोहम्मद आमिर की कोई परफॉर्मेंस, मोहम्मद आमिर सर है बड़े मैच का बड़ा बॉलर। चले बड़ा मैच का बड़ा बॉलर, उधर से बात करते हैं जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव है, मोहम्मद सिराज, वो क्या मैन ऑफ द मैच नहीं हो सकते? क्योंकि देखिए कभी हमारे बैट्समैनों को बुमराह ने कभी भी बाबर को आउट नहीं किया, कभी भी आप दिखा रिकॉर्ड उठा के देख लें। कुलदीप ने तो किया, कुलदीप ने बार यार तीन बार किया, अब मोहम्मद आमिर ने कितनी बार किया है? विराट कोहली को, शाहीन अफरीदी ने कितनी बार किया इनके टॉप ऑर्डर को? तो अब हमारे बाबर आजम ने ये तो कभी भी नहीं कहा कि, बाबर आजम से पूछा किसी ने कि आपको टफेस्ट बॉलर कौन सा लगता है, बुमराह कमेंस या उससे कमेंस का है। अब विराट कोहली से जितनी बार भी पूछे ना, जितनी बार भी यार वो आमिर कहेंगे वो कौन है वन ऑफ द टफ, वो मोहम्मद आमिर का। तो फिर आमिर पहले किधर? यार वो तो हमारी पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की वजह से इधर उधर थोड़ा मसला चल रहा था, अब देखें उनके बैक हुए हैं, अब उसकी परफॉर्मेंस CPL में जहाँ पे वर्ल्ड कप है वेस्ट इंडीज़ में और USA में। हाँ दोस्तों, आपने जैसे सुन लिया पाकिस्तान में आप जोरों शोरों से लग रही है 9 जून के लिए इंडिया पाकिस्तान में होने वाली गेम के लिए यहाँ पर जोरों शोरों से हल्ला करना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया के साथ वो इजीली जीत लेंगे, और कोई का कहना है कि वो हार्दिक पांड्या से डर रहा है, कुछ का और कुछ कहना है, आपने जो सुन लिया होगा। तो आपको क्या लगता है कैसा होगा मैच, इंटरेस्टिंग होगा या वन साइड इंडिया विन कर जाएगी या क्या होगा? आप ज़रूर कमेंट करके गेस कीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।